नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। पलवल में होडल की अपराध शाखा पुलिस ने नेशनल हाईवे नंबर 19 पर हरियाणा डपचिक मोड पर चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 50 लाख रुपए की कीमत का 62 किलो 600 ग्राम गांजा पकड़ा। पुलिस ने मौके पर दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों आरोपी यूपी के रहने वाले बताए जाते हैं। ये दोनों आरोपी इस गांजे को विशाखापट्टनम से लेकर पलवल फरीदाबाद यूपी में बिक्री के लिए लेकर आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के अरमानों पर पानी फेर दिया। ये जो दो आरोपी पकड़े सर, के आरोप में पकड़े, क्या मामला सर? आज सुबह करीब अर्ली मॉर्निंग हमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि दो व्यक्ति, एक शेवरले की गाड़ी है एवियो, उसमें गांजा लेकर मथुरा की तरफ से आएंगे। तो माननीय कप्तान साहब के दिशा निर्देश अनुसार हमने नाका लगाया और नाका लगा के गाड़ी को चेक किया। तो चेक करने पर उनका जो नाम था, एक का नाम राजेश था, दूसरे का नाम अंकित था। तो हमने माननीय अपने नायब तहसीलदार साहब, उनको फ़ोन किया और वो जो मौके पर आए और उन्होंने जो गाड़ी को चेक कराया। चेक करने पर जो गाड़ी की तलाशी ली, उसमें करीब 62 किलो 600 ग्राम गांजा जो है वो बरामद हुआ। तो सर, कहाँ से लेकर आ रहे थे आरोपी इस गांजे को और कहाँ बेचना चाह रहे थे? ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से लेके आए थे और कुछ माल इन्होंने यहाँ पे पलवल में बेचना था और कुछ ही कराना यूपी में, मेहरबान नाम के आदमी का, उसको लेके जाना। तो सर, पकड़े गए आरोपी कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है इनके? इनमें एक राजेश है जो गुना मध्य प्रदेश का रहने वाला, दूसरा अंकित है जो बागपत यूपी का रहने वाला है। मामला दर्ज किया है NDBS 2061-85 NDBS की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तो सर, पकड़े गए आरोपी क्या पहले भी करते हैं काम को? अभी मुकदमा दर्ज किया हमने, इसको कल पेश करके कोर्ट से इनका पुलिस रिमांड लेंगे और पुलिस रिमांड के बाद ही आगे के बारे में पता चल पाएगा कि इनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं। तो सर, जो ये क्या नाम है, जहाँ ये बेचते थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो तीन आदमी हैं, जो जो पलवल के हैं, नौसाद है, अमजद है, सोनू है, तीन आदमी वो हैं और एक मेहरबान नाम का आदमी है जो कराना, तो उसके खिलाफ ही कार्रवाई की थी। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।